धार जिले के धर्मपुरी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत प्रवास के दौरान कुछ देर रुके। नर्मदा घाटी आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण होने पर बड़वानी में हुए कार्यक्रम से लौट रहे थे। धर्मपुरी बाईपास चौराहे पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत भी किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार व्यापारियों की सरकार है, वहीं अब बीजेपी की राह यूपी में मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं किसान आंदोलन पर सवाल पूछने पर टिकैत ने बताया कि 9 महीने किसान आंदोलन को हो गए, सरकार बात करने को ही तैयार नहीं है और जब तक बिल वापसी नहीं होती तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। यूपी चुनाव पर सवाल पूछने पर टिकैत ने चिंता जताते हुए बताया कि यूपी के भी बड़े बुरे हाल हो रखे हैं। देश में सबसे महंगी बिजली यूपी में है, गन्ने का भाव भी 5 वर्षों से नहीं बढ़ा। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती तो यूपी चुनाव में किसान आंदोलन का बड़ा असर होगा। हाँ, इस साल का तो पहला ही दौरा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कई प्रोग्राम कैंसिल हुए। आज गए थे यहाँ पे जो नर्मदा घाटी में जो एक आंदोलन यहाँ पर चला, आज उसको 36 साल उस आंदोलन को हुए, तो उस आंदोलन में शरीक हुए, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, जो विस्थापित लोग हुए कुछ उनका और समस्या रह रही है तो ये सारी बात उनकी सुनी। और किसानी आंदोलन को भी वहाँ दिल्ली में 9 महीने हो गए, भारत सरकार अभी बात नहीं कर रही। एक लंबे समय से आपका आंदोलन चल रहा है, बात करने को तैयार नहीं है, ना बे रणनीति क्या, हम तो वहीं रहेंगे, हमें तो दिल्ली को नहीं छोड़ना, चारों तरफ से घेर रखी दिल्ली, उसको छोड़ना नहीं। तो अगर सरकार नहीं मानती, जैसे आपकी बात नहीं मानती, कैंक साल तक नहीं मानने की सरकार, एक साल, दो साल, तीन साल, कैंक साल नहीं मानने की। हाँ, यही रहेंगे हम, दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली रहेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। MSP पे गारंटी कानून चाहिए। आने वाले जो यूपी के जो चुनाव है, इस पे कुछ असर होगा इस किसान आंदोलन का? अगर सरकार नहीं बात मानने की तो असर तो होगा। वहाँ पे भी बड़ा बुरा हाल है, यूपी में भी बिजली पूरे देश से सबसे महंगी बिजली वहाँ पे है। गन्ने का भाव भी वहाँ पे 5 साल से नहीं बढ़ा और करीब 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है, फसल MSP पे नहीं बिकती। तो ये सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, बड़े दुकानदारों की, उनकी बड़ी कंपनियों की, ये सरकार कोई BJP की नहीं है, कंपनी की सरकार है ये, तो कंपनी चला रही है इसको, तो सरकार को।